अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना किचन। मेरा नाम है राहत और आज हम बनाएंगे मूंग दाल कचौरी। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए 250 ग्राम्स मैदा, 50 ग्राम्स रवा, घी, अजवाइन, नमक, कलौंजी। कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए हमने मूंग दाल ली थी, उसे 2 घंटे भिगाकर हमने पीस लिया था। ज़ीरा, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, 1 स्मॉल साइज़ प्याज, बेसन। कचौरी का डो बनाने के लिए अब हम मैदा लेंगे, उसमें हाथ की मदद से होल कर लेंगे, फिर उसमें रवा ऐड करेंगे, अजवाइन हाथ की मदद से रगड़ कर इसमें डालेंगे, कलौंजी और नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका डो बना लेंगे। जब तक डो नरम हो रहा है, एक पैन में तेल लेंगे, उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें बारीक प्याज ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें पिसी हुई मूंग दाल ऐड करेंगे, अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें बेसन ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को अच्छे से पका लेंगे, फिर इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे, स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। डो हमारा मीडियम नरम हो चुका है, अब इसका पेड़ा बना लेंगे, इसे कटोरी का शेप देंगे। फिर इसमें स्टफिंग डालेंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, इसे अच्छे से बंद करें ताकि ये फ्राई होते वक्त फटे ना। इसे मैंने अच्छे से बंद कर लिया है। अब इसे रोलिंग पिन की मदद से 1 से 2 बार बेल लेंगे, इसे ज़्यादा ना बेलें। एक कढ़ाई में तेल लेंगे, फिर इसमें एक एक करके कचौरी डालेंगे। कचौरी हमेशा स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। कचौरी को पूरा टाइम स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करें ताकि वो अंदर तक फ्राई हो जाए और कलर ब्राउन ना हो। इसे पलटा पलटा कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे कि कचौरी फ्राई हो चुकी है, उसे एक एक करके निकाल लेंगे। अब एक प्लेट में कचौरी को निकाल लेंगे, फिर इसमें होल कर लेंगे, फिर इसमें मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो डालेंगे, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, आप जितना टेस्ट पसंद करते हैं उतना। फिर इसमें खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे,
फिर इसमें फेटा हुआ दही ऐड करेंगे। ये हमारे घर की बनी हुई चटनी है। अगर आपको हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर इसमें ज़ीरा पाउडर, काला नमक, रेगुलर नमक, चाट मसाला पाउडर डालें। फिर इसमें फ्राइड चना दाल ऐड करें। फिर इसमें सेव ऐड करेंगे, कोथमीर ऐड करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी मूंग दाल कचौरी। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें कमेंट और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।